इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। रोहतक से जहां पर आरोपी धनखड़ का भूपेंद्र हुड्डा परेशान है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रोहतक से बड़ी खबर, किसानों के साथ मीटिंग पर धनखड़ का तंज, हुड्डा कमजोर सीएम रहे हैं, इस बात का स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की। तो ओपी धनखड़ का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना उन्होंने साधा है, किसानों के साथ मीटिंग पर धनखड़ ने तंज कसा है और कहा है कि हुड्डा कमजोर सीएम रहे हैं। सीएम रहते हुए उन्होंने जब किसानों के लिए कुछ नहीं किया, यहां तक कि हुड्डा ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट तक लागू नहीं की और अब अपने आप को किसान हितैषी बताने का काम कर रहे हैं। हुड्डा कमजोर सीएम रहे हैं, इस बात का जिक्र किया है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, डंके की चोट की बात है। दिसंबर 2010 में उन्होंने मनमोहन सिंह को हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट दी थी। आप उनसे ही पूछ लीजिए कि आपने रिपोर्ट आप इंप्लीमेंट करा पाए क्या? क्या 10,000 रुपए जो कंपनसेशन देने की उन्होंने बात कही थी, मैं कृषि मंत्री बना ऐसी कोई फाइल नहीं थी, हमने उसको 12,000 किया। कोई किसान लेके आओगे जो कहे कि हुड्डा साहब का दिया हुआ 10,000 रुपए मुझे मुआवजा मिला? स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 7 साल तक वो दबाए बैठे रहे, क्यों भाई? इसका जवाब देना पड़ेगा ना। आप केवल राजनीति के लिए 4 लोग आते हैं और वो लोग आते हैं जिनकी राजनीति खुद की फलाप हो गई है। और संजय संवाददाता हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक तरफ हुड्डा द्वारा लगातार किसानों की कमेटी के साथ जो बैठक है वो की जा रही है, किसान हितैषी कांग्रेस से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इस बीच ओपी धनखड़ का ये बयान आना कि कांग्रेस ने अपने राज में किसानों के लिए क्या कर लिया था, यहां तक कि स्वामीनाथन रिपोर्ट तक लागू नहीं कर पाए थे हुड्डा, अब कौन से किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात करें किसानों पर जो है सियासत लगातार जो है चलती आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जब किसानों के साथ मीटिंग करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़, उनका ये बयान आना अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसानों के जो 200 और 250 रुपए के जो चेक जो आते थे, तब जो कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, तब उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री होते थे, और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से लागू क्यों नहीं की, जो उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए वो कहाँ थे, तब क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरान जब ये सारे कार्यकाल के दौरान ये हुआ था, अब जो है मीटिंग करते घूम रहे हैं। तो कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो एक नाकाम जो है मुख्यमंत्री के कारण हुआ है, अगर मुख्यमंत्री होते हुए वो पूरी तरह से काम करते, ईमानदारी से काम करते, तो जो है आज इस तरह से जो है किसानों को ये दिक्कतें नहीं आती। तो कहीं ना कहीं वो जो है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा उन पर निशाना साधा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।